मोबाइल्स, इंटरनेट, गैजेट्स, इस मॉडर्न 21st सेंचुरी से आपको थोड़ा सा दूर लेकर चलते हैं आज हमारे तीसरे एपिसोड की कहानी में। ये कहानी है कृष्णकांत और कस्तूरी की। उम्मीद करते हैं पिछली दो कहानियों की तरह ये कहानी भी आपको काफी पसंद आएगी। तो शुरू करते हैं। आज हम आपको लेकर चलते हैं यादों के कुछ पुराने पन्नों में। 80 का दशक लगने को ही था। शोले को रिलीज हुए बस 2-3 साल बीते थे। शोले, जंजीर और ऐसी फिल्मों में एंग्री यंग मैन से जोश की इंस्पिरेशन लिए हुए थे हमारे कृष्णकांत जी। आज जिसे हम ओल्ड सिटी की गलियां कहते हैं, किसी जमाने में वही सिटी हुआ करता था। तो बस यही चांदपुर पुलिया के पास था उनका निवास। बेफिक्र के दिन थे, उम्र थी बस 18 की, लेकिन सपने बहुत बड़े थे। और सपनों का एक खास हिस्सा थी कस्तूरी जी, जो पास वाली गली में रहती थी। हर दिन स्कूल के बाद हमारे बाल कृष्णकांत जी आते थे अपने दोस्तों के साथ गणगौर घाट पर, और वापसी के वक्त कस्तूरी के घर के सामने से निकलना रोज का शगल था उनका। कस्तूरी भी रोज उसी वक्त अपने घर की बालकनी में किसी ना किसी बहाने खड़ी मिलती थी। कभी धूप सेक रही होती, तो कभी बाल सुखा रही होती, तो कभी कपड़े। टाइमिंग बिल्कुल परफेक्ट होती थी दोनों की। जब भी कृष्णकांत जी कस्तूरी को देखते, वो जानबूझकर अनदेखा करती। कभी नजरें मिल भी जाती तो या तो मुंह फेर लेती या फिर शर्मा के पलके झुका लेती। अब थोड़ा नादानी का भी दौर था। कृष्णकांत को कस्तूरी भी मन ही मन पसंद करती है, ये कृष्णकांत की समझ में अब तक नहीं आया था। और उस जमाने में हिम्मत भी कहां होती थी कि सीधे जाकर बात कर ले। आफ्टर ऑल लोग क्या कहेंगे। तो ये सिलसिला काफी महीनों तक चला। अब धीरे धीरे नजरें चुराने की जगह नजरें मिलने पर मुस्कुराहटों का दौर शुरू हो गया था। और धीरे धीरे इशारे और कागज की पर्ची पर सीक्रेट लेटर्स का आदान प्रदान। आज की जनरेशन जहां घंटों फोन या वीडियो कॉल पर बात करके भी खुश नहीं होती, उस जमाने में ऐसे सीक्रेट लेटर्स बहुत बड़ी बात होते थे। और ये पल भर के लिए एक दूसरे से नजरें मिलना किसी डेट से कम नहीं होता था। तो उस रोज कृष्णकांत ने फिर से एक बहाना निकाल लिया था कस्तूरी से मुलाकात करने का। दादाजी की साइकिल का चेन ठीक करवाने के नाम पर निकल गया। पर वापसी में यूं हुआ कि शुरू हो गई बेमौसम बरसात। लेकिन एंग्री यंग मैन की फिल्में देखकर जोश कृष्णकांत में भी कम नहीं था। ठान लिया था उसने कि आज बारिश में भी जब तक कस्तूरी को ना देख लूं नहीं जाऊंगा वापस। तो बस फिर होना क्या था, कस्तूरी गई हुई थी अपनी मौसी के घर। इस बात से बेखबर कृष्णकांत बारिश में काफी देर तक भीगते रहे, भीगते रहे, भीगते रहे, और बस अगले दिन से पड़ गए बीमार। अब माना मोबाइल फोन और व्हाट्सएप नहीं था, पर गॉसिप के गलियारे तो तब भी थे ना। न्यूज तब भी तेजी से ही फैलती थी, वो भी स्पेशली जब एक ही मोहल्ले की बात हो। अब उनकी बीमारी की खबर सुन के कस्तूरी काफी बेचैन हो पड़ी। उससे रहा ना गया और पहुंच गई वो कृष्णकांत के घर। मोहल्ले के आधे पंचायती वाले बुजुर्गों की थ्योरियां तो पक्के से चढ़ चुकी थी। वो आपके बीमारी की खबर सुनी, माँ ने काढ़ा बनाया है, इससे तबीयत में काफी सुधार होगा। काफी असरदार रहता है हमारी माँ के हाथ का काढ़ा, लोग जल्दी से दुरुस्त हो जाते हैं, इसलिए खुद ही देने चली आई। और जरूरत पड़े तो नीलम दीदी से बुलवा दीजिएगा, हम भिजवा देंगे। तभी उनके पिताजी ने कस्तूरी को देखकर कृष्णकांत से पूछा, ये वही है ना जिसके लिए बरसात में भीगकर अपना ये हाल बना लिया तुमने। कस्तूरी शर्म के मारे लाल हो गई और कुछ ना बोल पाई। पर कृष्णकांत के पिताजी ने सारा माजरा भांप लिया था, और साथ ही कस्तूरी का ये प्यार देखकर कृष्णकांत को मानो एक दवा मिल गई थी, जीने की एक नई वजह। समय जैसे पंख लगाकर उड़ गया। दोनों के स्कूल खत्म हो गए। कृष्णकांत को उनके पिताजी ने वकालत की पढ़ाई करने बंबई भेज दिया था। अब मोहल्ले का प्यार सात समंदर पार जैसा लगने लगा था। दोनों ने अपने अपने तरीके निकाल लिए थे, चोरी छुपे चिट्ठियां और पोस्ट कार्ड लिखकर, कोड नेम से, कोड वर्ड से। और इसी तरह दूरियों के बावजूद भी प्यार परवान चढ़ता रहा।
अब उस जमाने आई लव यू तो नहीं कह देते थे इतना खुलकर, पर इजहार और इकरार चिट्ठियों पर ही हो चुका था। दिन महीने साल बीत गए। कृष्णकांत अब बंबई से पिताजी की तरह एडवोकेट कृष्णकांत बनकर लौटे। पिताजी के साथ वकालत करना एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी थी और एक बहुत बड़ा सपना। इतने बरस वकील साहब का बेटा कहलाए गए, अब उस पहचान से आगे निकलकर खुद वकील साहब कहलाए जाने का सफर तय करना था। कस्तूरी भी यही थी, एक स्कूल में टीचर बन गई थी। छुप छुप कर मुलाकातें होती रहती थी, कोड वर्ड्स में चिट्ठियां और पोस्टकार्ड्स चलते रहते थे। और फिर उस दिन एडवोकेट साहब ने, जूनियर एडवोकेट साहब यानी कि कृष्णकांत के पिताजी ने कृष्णकांत से कहा, बेटा यहां पड़ोस में किसी ने बुलवा भेजा है, मुझे अदालत में पेशी पर जाना है, तुम जाके देखे आओ क्या हुआ। कृष्णकांत खुश कि चलो अपने बूते पहला केस लड़ने को मिल रहा है मौका। उसने खुशी खुशी से पूछा कि कौन है। अरे सामने वाली गली में रहता है ना लंबरेटा स्कूटर वाले माथुर साहब, उन्हीं के यहां शायद कुछ हुआ है। पुलिस में जाने के पहले वकील से सलाह मशविरा करना चाहते हैं, आज सुबह ही राजू को बुलवा भेजा। माथुर साहब का नाम सुनकर कृष्णकांत चौंक गया, ये तो कस्तूरी के ही पिताजी थे। अब खुशी के साथ एक नर्वसनेस भी आ चुकी थी कि कैसे मिलूंगा, कैसे बात करूंगा, मदद कर भी पाऊंगा कि नहीं। डरते डरते वो गया। माथुर साहब रिटायर्ड फौजी, एक कड़क मिजाज रौबदार इंसान थे। अखबार को साइड में हटाकर उन्होंने सर से पांव तक नर्वस से कृष्णकांत को देखा। अच्छा तो आप हैं वकील साहब के बेटे, बैठो, कस्तूरी की मां एक कप चाय और देना। फिर चाय का कप उसकी तरफ बढ़ाते हुए कहा, बेटा एक समस्या ये हो रही है कि पिछले काफी वक्त से कोई अनजान व्यक्ति हमारी बेटी को काफी चिट्ठियां लिखकर परेशान करता है। अब इसके पहले हम पुलिस स्टेशन में जाएं, सोचा वकील साहब से सलाह मशविरा कर लें कि इसको किस जुर्म के तहत क्या सजा दी जा सकती है, तो बेटा तुम जरा बताना मुझे कि आगे क्या करना चाहिए। कृष्णकांत को अब काटो तो खून नहीं। उसकी लिखी चिट्ठियां कस्तूरी के पिताजी के हाथ लग चुकी थी। कैसे बताता वो कि जिस मुजरिम को सजा देने पर माथुर साहब तुले हुए थे, उसी से माथुर साहब कानून की धाराएं पूछ रहे थे। उसने नजर उठाकर एक तरफ देखा तो अंदर कमरे की खिड़की से कस्तूरी भी नजर आई, उतावली सी। डरते डरते से कृष्णकांत ने पूछा, पर अंकल आपको यकीन है कि वो कस्तूरी को परेशान कर रहा है? ये भी तो हो सकता है ना कि कोई मित्र हो और बात करते हो दोनों आपस में। माथुर साहब ने चाय की चुस्की लेते हुए फिर से घूरा कृष्णकांत को। थोड़ी देर एक सन्नाटा पसरा रहा, फिर अचानक से माथुर साहब हंसने लग गए। कृष्णकांत को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि अचानक क्या हुआ है। उतने में अंदर से कृष्णकांत के पिताजी भी बाहर आ गए और वो भी हंसने में माथुर साहब का साथ देने लग गए। भौचक्का सा कृष्णकांत दोनों को देख रहा था। सस्पेंस को तोड़ते हुए माथुर साहब बोले, क्या सोचा था आशिक महोदय, हम लोगों की नजरों से बच जाओगे? अरे फौज से रिटायर हुए हैं, दुनिया हमने काफी देखी है। चिट्ठियां जब हाथ लगी तो हम समझ गए थे कि क्या चल रहा है। फिर कस्तूरी ने भी डर के मारे बता दिया हमको खुलकर। अब तुम्हारे पिताजी जो है ना, हमारे बचपन के दोस्त है, तो हमारी बेटी का ससुराल हमारे बचपन के दोस्त के घर में, इससे बेहतर खुशी की बात हमारे लिए और कुछ नहीं है। कृष्णकांत ने विस्मित होकर अपने पिताजी की तरफ देखा तो उन्होंने कहा, अब मुझे मत देखो, मुझे काफी साल पहले से ही पता चल गया था, जब तुम बीमार पड़े थे और काढ़ा देने कस्तूरी घर तक आई थी। प्यार की खातिर इतनी सी उम्र में इतनी हिम्मत दिखाई, सच में फौजी की बेटी है और मेरे बेटे का ध्यान रखेगी, साफ दिखता है। तो बेटा अब तुम्हारी और कस्तूरी दोनों की सहमति हो तो शादी की तारीख पक्की करें। दोस्तों ये थी कृष्णकांत और कस्तूरी की कहानी। क्या आप ऐसी ही किसी कहानी से वाकिफ हैं? बताइए हमको हमारे कमेंट सेक्शन में। और ये कहानी कैसी लगी वो भी कमेंट्स में जरूर बताइए। इस कहानी को अपने दोस्तों से शेयर करना बिल्कुल ना भूलिएगा। तो चलते हैं कल एक और नई कहानी आप तक लाने के वादे के साथ। तब तक के लिए विदा।